हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जो मेरे दोस्त एएलपी के लिए जो एग्ज़ाम दिए थे, बहुत मेहनत किए होंगे, आप सबों का मेहनत का प्रतिफल मिल गया होगा। आरआरबी एएलपी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आप सब जा करके अपने अपने जोन से पीडीएफ डाउनलोड कर करके और अपना रोल नंबर मिला सकते हैं। और फिर से नॉर्मलाइज मार्क्स भी आ गया है, तो आप नॉर्मलाइज मार्क्स फिर से नॉर्मलाइज करके उन्होंने बताया है, तो आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आरआरबी इलाहाबाद के साइट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पर तीन लिंक दिया हुआ है, हर जोन में अलग अलग होगा। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको स्कोर कार्ड लिंक्ड, यहाँ दिख रहा होगा आपको फर्स्ट। ये देखिए, यहाँ से ये और ये तीन के तीन जो है आरआरबी से रिलेटेड है और आज ही आई है। ठीक है, मतलब अब तो चूंकि आज तो 6 तारीख हो गया, 12:28, लेकिन इससे पहले करीब 11:30 के आसपास रिजल्ट अपलोड हो चुका था और 12 बजे से आपका लॉगिन भी होने लगा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए, अभी यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, टू मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड। तो मतलब बिजी साइट चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, लेकिन आपको ये दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज मार्क्स है CVT2 का, ये डाउनलोड हो रहा है, अपना रोल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये कट ऑफ भी है, तो आपको कट ऑफ भी दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कट ऑफ है, दिख रहा होगा आपको। यूआर का, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं हम, इलाहाबाद में यूआर का गया है 58.41, एससी का 33.75, एसटी का 25.48, ओबीसी का गया है 44.72। देखिए कितना वैरी कर रहा है यूआर और ओबीसी का। ठीक है, यूआर एक्स का गया है 41 और एससी एक्स का गया 37 और ओबीसी एक्स सर्विसमैन का गया है 32। तो आप लोग अपना कटअप भी देख लेंगे और जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उस पीडीएफ से आप अपना रोल नंबर भी वहाँ पर मेजर कर लेंगे। डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा स्लो है, अभी हो जाता तो हम लोग देख लेते। तो इस वीडियो में अगर इलाहाबाद से आप लोग कोई हैं तो ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही लिंक, तो आप जिस भी जोन से रहे हैं आप अपने जोन से जाकर के उसको वीडियो को वहाँ पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड और अपना रोल नंबर देख सकते हैं। और हाँ, जो ये देखिए ओपन हो गया है पीडीएफ, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि 8 टाइम्स लिया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि। और एक चीज़ और, एप्टीट्यूड का जो शेड्यूल है 16/4 को ही होगा, तो इसमें डेट की कटौती या बढ़ोती नहीं हुई है, 16 को ही होगा, आरआरबी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। और यहाँ पर बताया गया है कि 8 टाइम्स मतलब 8 गुना CVT2 के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो आप ये जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बिल्कुल आप पढ़ें। और जैसा कि आपको मेडिकल के लिए A1 सर्टिफिकेट बनाने की बात कर रहा है, तो वो आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए आपका ये पूरे मार्क्स हैं, तो आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। चलिए, तो आप लोग अपना रिजल्ट देखिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना रिजल्ट के बारे में भी शेयर कीजिए। आप सबों के साथ हमने भी मेहनत किया था आपके लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए थे, आप लोगों का अच्छा फीडबैक मिला। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा और अच्छे रिजल्ट आए होंगे। चलिए, आप लोग के रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।